20 मार्च 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सोनीपत द्वारा मोटे अनाज पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा इसके पोषक तत्वों के बारे में भी बताया गया। इसमें लगभग 500 किसानों ने भाग लिया और लोगों ने प्रण किया कि आगे मोटे अनाज का खूब सारा वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। ठीक है, कृषि क्रियाएं कैसे होती है वो एक बड़ा विषय है, तो छोटी छोटी चीजें करके हम इस बात के बारे में बात करते हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, कृषि आपसे पूछे जाएंगे, आप लोगों ने ध्यान देना है थोड़ा सा इस बात पर कि भी मोटे अनाज के बारे में हम इतना जोर क्यों लगा रखा है, पूरी सरकार और पूरे संसार में जोर लगा रखा है, और जिसकी वजह हमारी सरकार है, हमारा देश है, तो इस बात पर सब तालियां बजा दें पड़ी कि हमारे भारत देश की वजह से पूरे संसार में इसको लागू किया जा रहा है। 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया, ये कामयाबी हमारी सरकार की और हमारे किसानों की, जिन्होंने इसको अभी तक बचाए रखा। और इस तरह से इस डाइट पे देना चाहिए, कैसे उसका शेड्यूल होना चाहिए कोई, ठीक है, उस शेड्यूल से सभी को सही मात्रा में मिलेगा तो सभी का शरीर स्वस्थ रहेगा और सभी सही ढंग से उनका दिमाग काम करेगा। और हम घर कभी घर घर जाकर या आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर कई चौपाल केंद्र में जाकर जागरूकता फैला सकते, कोई सेंटर लगा सकते हैं, कोई हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है आप सभी को आना, तो उनमें जागरूकता फैला सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ये पोषक अनाज है, आपको इस तरह से देना है, इस तरह से करना है, ये है और आपको इस मात्रा में लेना है। और प्रेगनेंसी में जैसे प्रेगनेंट औरत है उनको घर घर जाकर समझा सकते हैं कि भाई तुम्हें ये लेना है और तुम्हें ये नहीं करना। वेरी गुड। जंक फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, उससे मोटापा होता है और हमारी बॉडी भी वीक फील करती है।